This is chapter number 2 of physics, class 12, and we are learning the mechanical properties of fluids. See, we have learned the mechanical properties of solids 11th standard mein humne padhe hain, lekin ab yahan par jo humko syllabus mein aaya hai 12th mein, yahan par humko ye fluids hai, fluids ki study karna hai. तो आप जानते हैं कि मैटर जो है तीन फिजिकल स्टेट्स में रहता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस. लिक्विड्स और गैसेस ये तीन फिजिकल स्टेट्स हैं. और उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि लिक्विड्स और गैसेस को अगर आप कंबाइन कर दिए तो इनको कहते हैं फ्लूइड्स. तो फ्लूइड्स ऐसे मटेरियल्स है जो कि हमको फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी, फ्लो होने की प्रॉपर्टी बताते हैं. फ्लो सब्सटेंसेस विच फ्लो दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स, और ये इंक्लूड होते हैं लिक्विड्स और गैसेस. तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमको इनके कुछ खास खास प्रॉपर्टीज स्टडी करना है, जैसे कि हमको स्टडी करना है सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, उसके बाद हमको स्टडी करना है विस्कोसिटी. विस्कोसिटी और जो प्रेशर वाला पोर्शन है वो आपकी बैच के लिए डिलीटेड है. प्रेशर भी है लेकिन इट हैज बीन डिलीटेड. तो हमको ये सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी नाम की प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इन सारी चीजों को. कि यहां पर आप देखेंगे कि हम ये देखना चाहेंगे कि एक आइडियल फ्लूइड क्या होता है. एक अच्छा आइडियल मनगढ़ंत इमेजिनरी जो फ्लूइड होता है उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट. सो लेट मी टेक द पेन. ओके, नाउ लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स. सो हियर ऑन दिस वन हैंड आई हैव सॉलिड एंड हियर ऑन दिस अदर हैंड आई हैव फ्लूइड. यहां पर टोटल कर देंगे. So here solids and fluids. So solids, they have fixed shape. So they have a fixed shape and a fixed volume. Fixed shape and volume. Whereas fluids don't have fixed shape and volume. ये एक property है जो आप आपके छोटी classes से पढ़ते हुए आ रहे हैं. अब अगला जो है कि deformation के ताल्लुक से. deformation यानी कि shape में change होना. deformation in the shape of solids and liquids. For example, solids, they oppose the deformation produced by any force. For example, अगर आपने ये एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, supposing I take a solid block like this, ये ब्लॉक है और मैंने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया. ये डायरेक्शन इस तरह से मैंने फोर्स अप्लाई किया. इस तरह से फोर्स अप्लाई किया मैं. सो देन आप देखेंगे कि ये सारे लेयर्स ऐसा यहां पर सरक जाएंगे और इसका शेप जो है ऐसा हो जाएगा.
ये लेयर को मैंने फिक्स रखा, ये लेयर फिक्स, और इस तरह से मैंने टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया था तो शेप चेंज हो गया था, तो ये एंगल ऑफ शेयर। अगर आप मेरा 11th का जो वीडियो सीरीज है मेरे यूट्यूब चैनल पर अमजद अकेडमी पे, उस पर मैंने आपको सॉलिड्स के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इलास्टिसिटी पढ़ाया हुआ है, तो इलास्टिसिटी में आपको ये मिल जाएगा। तो इलास्टिसिटी के अगर आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर देयर इज चेंज ऑफ शेप एंड ओके, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। यस सर। ओके ओके, तो यहाँ पर ये, हाँ अब आप कैमरा बंद भी कर देते चलेगा, मुझे कैमरे की अब जरूरत नहीं है, आप लोग अपना कैमरा बंद कर देते चलेगा, ठीक है? आर यू देयर? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। ओके राइट, तो ये शेप चेंज हो गए। देखिए आपने यहाँ पर इस लेयर पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये सारी लेयर सरक गई और यहाँ पर शेप चेंज हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं ये फोर्स अप्लाई कर सका क्योंकि फिक्स्ड शेप की वजह से, क्या इस तरह मैं लिक्विड्स पर कर सकता हूँ? समझ लीजिए किसी बर्तन में मैंने ऐसा पानी रखा, ये बर्तन है और यहाँ पर ये लिक्विड है, तो मैं इस तरह का फोर्स ये पानी पर नहीं डाल सकता क्योंकि उसको शेप नहीं है और ना ही ये सरकेंगे सारे लेयर्स। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आप शेयरिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं लिक्विड्स पे या फ्लूड्स पे, फ्लूड्स पे आप शेयरिंग स्ट्रेस या शेयरिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, सॉलिड्स पे आप कर सकते हैं। उसी तरीके से सॉलिड अगर है, ऐसा सॉलिड है कोई क्यूब है, तो आप इस तरह से इसको हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड में हर डायरेक्शन में आप ऐसा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉम्प्रेसिव फोर्स बोलते हैं इसको। और उसी तरीके से आप यहां पर इसको बाहर की तरफ भी फोर्स से खींच सकते हैं, इसको टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। तो कुछ इस तरह का फोर्स आप लिक्विड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरह का, यानी कि कॉम्प्रेसिव फोर्स और आपका दूसरे टाइप का ये जो फोर्स है टेंजेंशियल फोर्स, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि और यहाँ पर ये वाला फोर्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ डिफॉर्मेशन के ताल्लुक से मैंने ये दो बातें यहाँ पर आपको कंपैरिजन करके बोल दिया। तो यहाँ पर शेयर फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, शेयर फोर्स हैंडराइटिंग खराब आ रही है क्योंकि डिजिटल पैड पे लिख रहा मैं, इतनी आदत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। ओके एज यूजुअल स्पेलिंग मिस्टेक्स, एप्लीकेबल, बट आई कैन अप्लाई विच टाइप ऑफ फोर्स? आई कैन अप्लाई compressive force and this one is tensile force to the fluids. Solids में तो आप हर किस्म का force apply कर सकते हैं, ये एक major difference है between solids and fluids. Okay, अब मैं ये erase कर देता हूँ। इरेज ऑल ऐसा कुछ ऑप्शन भी है, हमारे मीटिंग के होस्ट बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट टाइम मैं डिजिटल पैड कनेक्ट करके यहाँ पर जूम पर क्लास ले रहा हूँ तो वैसी आदत नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके सर जी। ओके, अब अगर आप चैप्टर के सीरियली जाएंगे तो वहां पर उन्होंने एक आइडियल फ्लूइड का डिस्कशन किया है, आइडियल फ्लूइड जो मैंने पहले मेरे भाषण में बोला कि आइडियल फ्लूइड किसको बोले, आइडियल मतलब जो कि पॉसिबल नहीं, लेकिन आप उसको इमेजिन कर सकते, उसके ऊपर आप सर्टन ऐसे प्रॉपर्टीज डाल दो
कि वहां पर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, बट मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू अचीव दिस आइडियल फ्लूइड। तो उन्होंने चार प्रॉपर्टीज अपने टेक्स्ट बुक में उसका जिक्र किया है, चार प्रॉपर्टीज का। तो वो जो चार प्रॉपर्टीज है उसमें से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है जो मैं आपकी किताब में से डिस्कस कर रहा हूं वो है इनकॉम्प्रेसिबल। तो एक आइडियल फ्लूइड जो है वो कैसी होना चाहिए? इनकॉम्प्रेसिबल। आई होप आई एम नॉट क्रिएटिंग नॉइस सर। इट शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अभी इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब ये होता है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहां पर इसका मीनिंग है कि लिक्विड की या फ्लूइड की डेंसिटी रहना चाहिए कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, डेंसिटी शुड रिमेन कांस्टेंट। ये पहली प्रॉपर्टी है आपके आइडियल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट्स फ्लो शुड बी इरोटेशनल। फ्लो जो है उसका बहाव वो रहना चाहिए इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब गोल गोल नहीं घूमना चाहिए, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्लूइड का फ्लो होना चाहिए। इस तरह से फ्लूइड ने ऐसा फ्लो होना चाहिए, ऐसा गोल नहीं घूमना चाहिए, फ्लूइड ने ऐसा गोल नहीं घूमना चाहिए, ऐसा बौरे गोल घूमते हैं वो। तो आइडियल फ्लूइड इरोटेशनल फ्लो बताने वाली रहना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड वो है नॉन विस्कस। इसका मतलब क्या है? जो है तो जैसा तेल वगैरह जो है वो विस्कस होते हैं। विस्कस मतलब अब उसको आम लैंग्वेज में चिकनापन, चिकनाहट बोल सकते हैं, या फिर फ्लो आराम से नहीं होने देना, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसा आपने यहाँ पर पानी को बहाया, वाटर, तो वाटर ऐसा सीधा फ्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑयल लिया, तेल लिया, तो वो धीरे 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 फैलेगा, क्योंकि ये ऑयल के अंदर विस्कोसिटी है, उसका फ्लो सीधा नहीं है, जैसा उसके अंदर विस्कोसिटी है। इसकी विस्कोसिटी, ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम। तो खैर आपका जो आइडियल फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसका फ्लो जो है तो जैसा मैंने ऊपर बोला इरोटेशनल होना चाहिए और वो सीधा चलना चाहिए, उसके फ्लो का अपोजिशन नहीं होना चाहिए। लिक्विड फ्लो के अपोजिशन जब होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो आइडियल फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी जीरो रहना चाहिए, यानी कि वो नॉन विस्कस रहना चाहिए। और चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी वो ये है कि द फ्लो शुड बी स्टेडी। फ्लो जो है उसका बहाव जो है तो स्टेडी रहना चाहिए। स्टेडी का मतलब क्या होता है? स्टेडी मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी ओके। कैन यू लिसन टू मी? ओके यस सर। स्टडी yes, का मतलब समझ लीजिए कि ये पानी इस तरह बह रहा है, तो आप यहाँ पर वेलोसिटी गिन रहे, 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 तो हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर भी पानी के बहाव की वेलोसिटी समझ लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पर भी उतनी रहेगी, यहाँ पर भी उतनी रहेगी, यहाँ पर भी उतनी रहेगी, तो तब आप बोलेंगे कि ये फ्लो कैसा है? स्टडी फ्लो है। तो एक आइडियल फ्लो के ये चार प्रॉपर्टीज आप अच्छी तरह से ज़हन-नशीन कर लीजिए। तो मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको बोला है कि द फ्लूइड मस्ट बी इनकॉम्प्रेसिबल, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट होना चाहिए। फिर द फ्लो शुड बी इरोटेशनल, यानी कि गोल गोल घूमना नहीं चाहिए भौरे के जैसा, और सीधा चलना चाहिए फ्लूइड ने। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड की, तीसरी कंडीशन आइडियल फ्लूइड की
वो ये है कि वो नॉन विस्कस रहना चाहिए, चिकटपन नहीं रहना चाहिए, और जो है पानी के जैसा, जैसे पानी को तकरीबन हम बोल सकते हैं कि उसकी विस्कोसिटी जीरो है समझने के लिए, बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में विस्कोसिटी रहती है। बट टू अंडरस्टैंड मैं ये बोल सकता हूँ, पानी और आपने तेल को कंपेयर किया तो तेल की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि पानी ज्यादा नॉन विस्कस है और ऑयल ऑयल की नॉन विस्कसनेस जो है तो बहुत कम है। और चौथी प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला है कि द फ्लो शुड बी स्टेडी। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर आइडियल फ्लूड के लिए रखे हैं। और उसके पहले मैंने सॉलिड्स और फ्लूड के अंदर का जो डिफरेंस आपको बताया है वो भी आपने अच्छी तरह से याद रख लेना चाहिए। तो आप ध्यान दे रहे हैं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आपको? Yes, sir. तो एक जुमले में आप कंप्रेसिबल इरोटेशनल नॉन विस्कस स्टडी है ना, पहली प्रॉपर्टी इनकम्प्रेसिबल, दूसरी प्रॉपर्टी इरोटेशनल इरोटेशनल फ्लो, तीसरी नॉन विस्कस फ्लो और चौथी स्टडी फ्लो। ओके, आर यू विद मी? Yes, sir. चल तो मैं यहाँ पर अभी मिटा दे रहा हूँ ये सब जो मैंने लिखा था। अब मैं आपको लेकर जाऊंगा, अब मैं आपको लेकर जाऊंगा अगले पॉइंट पर। और अगला पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ और वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो एक्चुअल हमको देखने को मिलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ये मैंने जो अभी लिखा था वो आइडियल फ्लूइड के प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है मौजूद उनको हम रियल फ्लूइड्स बोलेंगे, और जो वो चार कंडीशन में बैठ जाएंगे उनको आइडियल फ्लूइड बोलेंगे। जैसा मैंने वहां पर भी कहीं ना कहीं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपको पढ़ाया था, रियल गैस और आइडियल गैस, याद आ रहा है आपको? ऐसा yes, वैसे ही फ्लूइड्स में भी हम बोलेंगे आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। तो जो रियल फ्लूइड होते हैं उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन और दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म। तो पहली प्रॉपर्टी, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन बोलिए, शेप चेंज होना, शेप चेंज होना, यस, शेप साइज या दोनों को चेंज होने को कहते हैं डिफॉर्मेशन। शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना या दोनों में चेंज होना, यानी कि जब आप किसी लिक्विड में ये चेंज, ये डिफॉर्मेशन लेकर आएंगे तो वो लिक्विड बेचारा एक्सेप्ट कर लेता है वो डिफॉर्मेशन को, उन्हें अपोज नहीं करता। ना सिर्फ वो डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करता बल्कि डिफॉर्मेशन जो है वो परमानेंट हो जाता, इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल नहीं है, राइट? ये पहली प्रॉपर्टी समझ गया फ्लूइड्स की? परमानेंट डिफॉर्मेशन, उनके अंदर डिफॉर्मेशन होगा लेकिन वो परमानेंट होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन। भगवान आप है क्या? यस सर है। ओके, अब हमारी मीटिंग का टाइम जो है तो हमको वार्निंग मिल रही है, तो उसमें हमको अभी 10 मिनट का मौका दिया है। अगर समझ लीजिए कि ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसी मीटिंग से आपने मेरे को रीजॉइन होना, ठीक है? यस सर। से उसी के साथ फिर से मुझे रीजॉइन। यस सर। ओके, 10 मिनट की वार्निंग मिली है, 15 लोग अभी मीटिंग में पार्टिसिपेंट है। ओके चलिए, अब सेकेंड प्रॉपर्टी,
जो हम रियल फ्लूइड्स की देख रहे हैं वो है दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो, दे आर एबल टू फ्लो, एबल टू फ्लो कह सकते हैं। अब बोलेंगे ये नवी बात क्या है, बट ये प्रॉपर्टी भी आप इंक्लूड कर दीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक वालों ने इसको लिया है तो हम भी ले लेंगे। और ऊपर जैसा मैंने बोला कि दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म, दूसरा लिक्विड्स की प्रॉपर्टी खास हम जो है तो चौथी पांचवी से सीखते हुए आ रहे हैं। जिस कंटेनर में आप रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ये समझो कंटेनर ऐसा है, बीकर है, बीकर के फॉर्म में कंटेनर, और यहाँ पर कोई फ्लास्क है, ये फ्लास्क लिया मैंने, जैसा केमिस्ट्री में आप देखते फ्लास्क रहता है, तो अगर हमने ये लिक्विड इसके अंदर डाल दिया तो कंटेनर में ये इस तरह का शेप आ जाएगा। यस सर, जो शेप का कंटेनर रहेगा वो शेप में हो जाएगा, शेप ऐसा हो जाएगा। तो सेम लिक्विड है लेकिन उसने कंटेनर का शेप ले लिया है, सो दे हैव द एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी का अल्फाज में क्या बोलेंगे, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। यहां पर मैं देख रहा हूं 15 लोग पार्टिसिपेंट है, तो अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो आपने मीटिंग को दोबारा से उसी कोड के साथ उसी लिंक के साथ आपने ज्वाइन हो जाना, हमारी फ्रेश मीटिंग चालू हो जाएगी। यस सर, 7-6 मिनट का वक्फा बचा है। टेक द शेप ऑफ कंटेनर, टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो ये तीन प्रॉपर्टीज है हमारे फ्लूइड्स के जो रियलिटी में ये एग्जिबिट करते हैं, बताते हैं। और अगर ऐसे एक फ्लूइड है ये जो प्रॉपर्टीज अगर वो बताता है, बट इट कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ए प्रॉपर्टी एग्जिबिट्स, ए फ्लूइड एग्जिबिट्स दीज प्रॉपर्टीज, द अबव मेंशन प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट कैन नॉट अपोज अ शेयर स्ट्रेस व्हेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये कंडीशन एप्लीकेबल है। ओके, तो इस तरह से हमने हमारे चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। तो आप एक इस मीटिंग के खत्म से पहले, जैसे कि कुछ 6 मिनट बता रहा है, तो इसमें मैं इस मीटिंग में, इस आधे घंटे की मीटिंग में मैंने आपके साथ क्या किया, तो मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया, हमने चैप्टर 2 शुरू किया है, चैप्टर 2 प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और उसमें मैंने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, सॉलिड को फ्लूइड से कंपैरिजन किया, फिर उसके बाद हम कौन सा डिस्टिंक्शन बताया मैंने सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में का डिस्टिंक्शन, फिर उसके बाद मैंने एक आइडियल फ्लूइड के चार खास प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हमने जो रियल फ्लूइड्स है उनके प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो वो माइक चालू करके पूछ सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी मतलब आया था फोन बाद में। हाँ, मैंने मिस कॉल आया था, मैंने नंबर चेक करी तो आपका है बोल के कॉल करी थी, तो उठाए नहीं थे ना उन्होंने, तो नहीं बोले उधर खाना खाने को चले गए थे ना, बोले तो उधर खा गया था बोले फोन। हाँ, फिर आया। अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे तो प्लीज माइक पे बंद रखिए, अगर आपका कुछ सवाल है तो माइक ऑन करके पूछिए। अब्दान, यस सर, अमीर, इफ्रा, यस सर, बंद है हमारा माइक। नहीं नहीं बंद मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके मेरे से पूछिए। ओके सर, ओके सर, वो आइडियल फ्लूइड का स्टडी वाला क्या है पॉइंट? हाँ, वो समझा नहीं। हाँ, स्टडी स्टेट। ओके, किसने पूछा ये? अब्दान।
अब्दान अब्दान पूछ रहे कि स्टेडी फ्लो क्या है सर, आइडियल फ्लूड का स्टेडी फ्लो क्या? स्टेडी फ्लो का मतलब जैसे ये फ्लूड बह रहा है ऐसा, राइट? अब मैं इसकी वेलोसिटी यहां पर गिन रहा, इस पॉइंट पर गिन रहा, इस पॉइंट पर गिन रहा हूं और इस पॉइंट पर गिन रहा। पानी आराम से जो है तो सीधे इस तरह से फ्लो हो रहा है, पानी बोल दीजिए या कोई फ्लूड बोल दीजिए। तो ये ए पॉइंट है मान लीजिए, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। तो मैं यहाँ ए पॉइंट पर पानी की स्पीड गिन रहा हूँ तो समझ लीजिए वो आ जा रही 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी अगर गिनता हूँ तो 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी अगर गिनता हूँ तो 10 मीटर पर सेकेंड, सी पॉइंट पर भी अगर वेलोसिटी गिन रहा मैं तो 10 मीटर पर सेकेंड, डी पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हर पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड सेम मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि लिक्विड का जो फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है। ठीक है अब्दान? अब्दान समझे? ओके। लेकिन देखिए अगर नदी नदी में अगर पानी बह रहा है, ये नदी का बैंक है और ये पानी यहाँ से ऐसा बह रहा है, ये पानी ऐसा बह रहा है, पानी ऐसा बह रहा है, तो आप देखेंगे कि हर लेयर का पानी की हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा अगर ये ऐसे पॉइंट्स लिया मैंने तो इस नदी नॉन यूनिफॉर्म हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी क्योंकि ये स्टडी फ्लो नहीं है। ठीक है ना? तो स्टडी फ्लो आपको आइडियल फ्लूइड्स में ही मिलेगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर शेयर स्ट्रेस मतलब शेयर स्ट्रेस। ओके, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस का मतलब ये है कि समझ लीजिए कि आपने ना, दो मिनट बाकी, मैं दो मिनट में समझा देता हूँ शेयर स्ट्रेस क्या है। ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक या किताबें रखी हुई है ऐसी, ये किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई, ऐसी किताबें एक के ऊपर एक रखी हुई और आप उसको किताबें जो रखी हुई है साइड से आप देख रहे हो और आपने ऊपर वाली किताब को सरकाया, ऊपर वाली किताब को सरकाया तो आप देखेंगे कि सारी किताबें थोड़ी थोड़ी ऐसी सरक जाती, सारी किताबें थोड़ी थोड़ी ऐसी सरक जाएगी, थोड़े थोड़े हद तक यहाँ सरक जाएगी, ऐसी सरक जाएगी। और हो सकता है जो आखिरी वाली किताब है वो बिल्कुल ही ना सरके, यानी वाली ये वाली ये बिल्कुल फिक्स्ड रहे। तो जब आप इस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको शेयर फोर्स बोलते हैं और शेयरिंग स्ट्रेस उसमें बनता है, यानी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना उसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। आई होप आप समझ गए होंगे। यस सर। ओके, और किसी को कुछ डिफिकल्टी? सर